नौ के नौ कह सकता हूँ विशाल कोई शक नहीं उसके अंदर, बट एज ए जूरी हमारा काम है कि उसमें किसी का प्रेजेंटेशन, किसी का टाइम लिमिट और किसी का कंटेंट्स और किसी का स्पीच द वे ऑफ स्पीच और किसी का नॉलेज, ये सब को जज करना काम होता है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट दीपशिखा विरुद्ध आहार जन ने ठीक ठाक रही, दूसरा अंतनी पाल जी ने भी अच्छा किया, शालिनी ने स्त्रियों में व्याधिक क्षमता को वो भी ठीक रहा, निशा अग्रवाल स्वस्थ वृद्धि का महत्व अटल विंग के अंदर, तो निशा को मैंने क्वेश्चन किया था ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठे क्यों, सी द थिंग इज ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठे जीर्ण जीर्ण निरूपेण सुरक्षा स्वस्थार्थ आयुषार्थ, तो स्वस्थ की रक्षा तो होनी चाहिए। जीर्ण और अजीर्ण जो दो शब्द आते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए जरूर, लेकिन यदि आपका अजीर्ण है तो फिर से आप एक चीज हो जाता है, बिकॉज 8 आवर्स स्लीप जो है नेसेसरी होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये था जो आपको क्लियर करना चाहिए था, बट एनीवे बहुत अच्छा रहा। दूसरा जो है रात्रि चेहरा भी ठीक रहा, और उसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन किया था आपसे जो है कि यदि आप फॉल्ट्री डाइट लेते हो तो भी, और यदि आप पथ्य भी ले रहे हो तो भी गड़बड़ हो रहा है, तो पथ्य ले रहे हो तो गड़बड़ हो रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जगत में ए टू जेड चीजें जो है साहित्य में लिखित सिद्धांतता लिखी हुई है और मैं सिद्धांत को फॉलो करता हूँ। दो चीजें हो सकती है उसमें, एक तो पथ्य सदी गदार्थ से किम औषधि से बनेगी, दूसरा पथ्य असदी गदार्थ से किम औषधि से बनेगी, सबको क्लियर समझ में आ रही। दूसरी बात जो है मात्र अभी अभ्युतम पथ्यम चंदन जी रहती चिंता शोक भय क्रोध दुख सैया प्रजागर, तो दीज आर द फैक्टर्स, यदि आप प्रॉपर डाइट भी ले रहे हो फिर भी नहीं जल्द हो रहा है, चाहे आप डायबिटिक लो चाहे कार्डिक लो कुछ भी लो फिर भी आराम नहीं है, तो दीज द फैक्टर्स दैट इज मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं कह सकते, तो वह मानसिक शारीरिक साथ में आहार विहार जनित ये तीनों चीज आने चाहिए आपको, तो चिंता शोक भय क्रोध ये मानसिक फैक्टर्स, दुख हो गया, देन शैया और प्रजागरण, ये दो चीजें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, तो ये जब याद देते हैं तो आपका वो क्लियर हो जाता है। एनीवे निशा अग्रवाल काफी अच्छा हुआ और टाइम लिमिट का ये अच्छी बात रही। दूसरा डॉक्टर कृष्णा व्याधिक क्षमता में इनका भी जो है, डॉक्टर कृष्णा इज देयर, ओके, प्रकृतम तु बलम शेषमा विकृत मल युच्यते ऐसा कहा गया, तो जब विकृत अवस्था आएगी तो मल होगा, इसलिए मैंने पूछा महाभूत कौन सा काम करेगा और क्यों, यानी जल और धन भी दो ऐसे महाभूत है कि जिनका जिनसे संबंधित द्रव्य का उपयोग ज्यादा करते हो तो निश्चित रूप से वहां दिक्कतें आती है, ठीक है, जब वो विशेष होते हैं है कि नहीं, लेकिन उसमें आप सड़क्रियाकाल की बात करोगे उसके अंदर भी जो है तो क्या क्या बताएंगे उसको जो है क्षय में ही क्षय दोषाह लबंते ना उत्तरागति क्षय जय दोषा, जैसे क्षय हो रहा है तो जो आपने उसको कर लिया तो आगे